One eternity later. Happy Christmas Day. नाम सुनते ही दिमाग में गिफ्ट का ख्याल आने लगता है। 25 दिसंबर को हैप्पी क्रिसमस डे नहीं, हैप्पी प्रैंक डे बताना चाहिए, जहां बच्चे को गिफ्ट के नाम पे एक मस्त पैक किया हुआ डब्बा तो मिल जाता है, पर निकलता क्या उसमें से? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? संता आएगी या संता आएगा इसका तो पता नहीं, पर तुम बच्चों के प्रैंक बनेंगे ये सबको पता है। सह लेंगे थोड़ा सा। मुझे लगता है संता अपने रेनडियर के साथ रात में गिफ्ट लेकर आएगा, तब तुम बेवकूफ हो। तुमने अगर संता को देखा है हवा में उड़ते हुए एक घर से दूसरे घर में जाते हुए, तब तुम बड़े वाले बेवकूफ। दिसंबर के इस कोहरे वाले सुबह में अगर तुमने संता को जाते देखा है या आते देखा है, तब तुम बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो। क्रिसमस आना हम इंडियन के लिए खुशी की बात नहीं है, दुखी इस बात का है कि ये साल यूं ही गुजर गए। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आज स्कूल कॉलेज में हिंदी भाषा या क्षेत्रीय भाषा बोलने पे बच्चों को पनिशमेंट किया जाता है, फाइन किया जाता है, रेस्ट केयर कर दिया जाता है। अंग्रेजी नहीं आती तो मतलब कुछ नहीं आता, पता है? ये जो जापानी, चीनी, रशियन, जर्मन, इन लोगों को गर्व है अपनी भाषा पे, प्यार करते अपनी भाषा से। भाषा अपनी होनी चाहिए, हिंदी हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, तमिल हो या तेलुगु हो, जिसे कभी भी बोले या कहीं भी सुने तो गर्व फील होना चाहिए। हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बॉलीवुड फैन टिकटॉक स्टार किली पॉल, जिसने हमारे बॉलीवुड सॉन्ग को सुना है, समझा है और गाया भी। ये टिकटॉक स्टार तो है ही, रील्स पे बॉलीवुड सॉन्ग पे लिपसिंग करके इंडियन के दिलों में भी जगह बना लिया है। हमारी हिंदी भाषा इंटरनेशनल तो होती जा रही है, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए और गर्व है, लेकिन ये बात हमारे स्कूल और कॉलेज के टीचर और प्रोफेसर को कहां समझ में आने वाला है। तो चलो यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो यार।